तो so, अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड क्रिएटिंग कस्टम यूनियन काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम यहाँ पे एज्यूम ये करते हैं थ्री नेशंस हैं प्राइमरली जो हम बात करेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की दैट वुड बी फ्रॉम नेशन टू कि नेशन टू जो है वो इम्पोर्ट करती है कमोडिटीज़ फ्रॉम अदर नेशंस और यहाँ पे ये भी एज्यूम किया जाता है कि नेशन वन जो है वो कस्टम यूनियन की मेम्बर है और नेशन थ्री जो है वो कस्टम यूनियन की मेंबर नहीं है तो इन दैट केस अगर सपोज जो नेशन टू है वो हंड्रेड परसेंट एडवलरम टैरिफ लगा देती है तो नेशन वन में क्योंकि एक्स कमोडिटी की प्राइस वन थी तो वहाँ पे प्राइस टू हो जाएगी और अगर नॉन मेंबर में उसकी प्राइस चीज की वन पॉइंट फाइव थी तो वो थ्री हो जाती है तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेशन टू के लिए फ़ायदेमंद यही है कि जो उसका मेंबर है कस्टम यूनियन का उसके साथ ट्रेड करें या इवन हम ये ज्यूम करते हैं कि अभी कोई मेंबरशिप नहीं है या कोई कस्टम यूनियन फॉर्म नहीं हुई तो अल्टीमेटली फ़ायदा ये है कि वो जिसमें प्राइस वन डॉलर है उसके साथ ट्रेड करें हम ये ये ज्यूम करते हैं कि आपके पास जो नेशन टू है वो नेशन वन के साथ ट्रेड करती है जहाँ पे आपके पास वन डॉलर प्राइस है और हम वंस अगेन ये ज्यूम करते हैं कि उसके ऊपर हंड्रेड परसेंट एडवरम टेरफ लग चुका है तो फिगर उसी तरीके से जो हम पहले पार्शल इक्लेबम एनालिसिस की डिस्कशन कर रहे थे जहाँ पे हम ये कहते थे कि पार्शल इक्लेबम एनालिसिस इज दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस वेयर वन कॉमोडिटी इज डिस्क तो यहाँ पे हम एक्स कॉमोडिटी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपके पास सेम लाइक प्रीवियस वन आपके पास सप्लाई कर्व है एक्स कॉमोडिटी का डोमेस्टिक एंड डोमेस्टिक डिमेंड कर्व है कॉमोडिटी का और आपके पास इक्लेबम हो रहा है पॉइंट ई e के ऊपर जहाँ पे थर्टी कमोडिटीज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम हो सकती हैं एट द प्राइस ऑफ थ्री ये आपके पास इक्लेबम प्राइस है और इक्लेबम क्वांटिटी है अब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ पी एक्स इज डॉलर वन इन नेशन वन एंड पी एक्स 1.50 वन पॉइंट फाइव ज़ीरो इन नेशन थ्री और अगर एडव टैरिफ लग जाता है हंड्रेड परसेंट तो यू कैन सी देट कि आपके पास नेशन वन में जो है वो प्राइस हो जाएगी टू डॉलर और नेशन थ्री के अंदर प्राइस हो जाएगी इसका ऊपर अगर हंड्रेड परसेंट वन पॉइंट फाइव ज़ीरो के ऊपर टैरिफ लगता है दैट वुड बी थ्री तो फ़ायदा उस केस में आपको नॉन मेम्बर से ट्रेड का बिल्कुल भी नहीं होगा या नेशन थ्री से बिल्कुल भी नहीं होगा अभी फ़िलहाल क्योंकि थ्री प्राइस में तो आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो ट्रेड की बेसिक थ्योरी हमें ये कहती थी कि ट्रेड आप उस फॉर्म में ही करते हैं जब आपके पास जो प्राइस है वो डोमेस्टिक प्राइस से कम मिले आपको तो एज्यूमिंग दैट के जो नेशन टू है वो नेशन वन के ऊपर हंड्रेड परसेंट एडवरम टेरफ लगाती है सो इन दैट केस क्या होगा आपके पास प्राइस बढ़ के वन uh, से टू हो जाएगी प्रिंसिपली जब प्राइस टू होती है तो आपके पास जो सप्लाई कर्व है वो पॉइंट जे के ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट है और यहाँ पे एच पॉइंट के ऊपर है क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि एस वन डिस्कस शो करेगा नेशन uh, वन का सप्लाई कर्व और एस वन प्लस टी जो है वो टैरिफ इंक्लूजिंग सप्लाई कर्व होगा जब आपके पास प्राइस टू होगी तो अगर टैरिफ लगा देती है नेशन टू तो आपके पास जो डोमेस्टिक डिमेंड है दैट इज़ फिफ्टी और आपके पास डोमेस्टिक सप्लाई है वो है ट्वेंटी अब जो बाकी पार्ट होगा दैट विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम नेशन वन तो इस केस के अंदर आपके पास ट्रेड हो रही होगी अब ये हम कहते हैं ज्यूम करते हैं कि नेशन टू ने नेशन वन के साथ कस्टम यूनियन फॉर्म कर लिए अब जब कस्टम यूनियन फॉर्म की है तो वन ऑफ द मेजर और प्राइम जो बेनिफिट है आउट ऑफ दिस कस्टम यूनियन वुड बी द बॉलिशन ऑफ द टैरिफ तो टैरिफ यहाँ पे बॉलिश हो जाएंगे तो आपके पास जो वहाँ पे प्राइस मिलेगी दैट वुड बी वन अब वन प्राइस पे क्या हुआ है फ़ायदा अगर आप प्राइस वन देखें तो इस केस के अंदर कंज्यूमर को फायदा होता है ए जी एच बी ए जी एच बी का इस पूरे हिस्से का क्योंकि अब आपके पास क्योंकि पहले कंज्यूमर सरप्लस था जस्ट दिस वन अब ये वाला पार्ट ऐड हुआ है कंज्यूमर सरप्लस में तो ये हिस्सा कंज्यूमर के पास चला गया है क्योंकि उसको प्राइसेस कम मिली हैं अब इस कंज्यूमर सरप्लस में अगर देखा जाए तो आपके पास डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का लॉस भी हुआ है वंस अगेन क्यों क्योंकि जब टैरिफ लगता था तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर क्वाइट हैप्पी क्योंकि उनको प्राइस ज़्यादा मिल रही थी एंड दे वर विलिंग टू सेल ट्वेंटी यूनिट्स बट आफ्टर द कस्टम यूनियन फॉर्मेशन आपके पास डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है वो जस्ट टेन कमोडिटीज़ बना रहे हैं और वो जो है वो ट्वेंटी से कम की तरफ आया है टेन की तरफ दैट मीन्स प्रोड्यूसर का कुछ पार्ट गया है उससे दैट इज ए जी जे सी इसकी कैलकुलेशन इज क्वाइट ईजी वंस अगेन आप इसको दो ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे यहाँ पे वन स्केयर और सॉर्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड अदर वन इज़ ट्राइंगल यू कैन फाइंड आउट द एरिया ये हम लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं आप इजीली निकाल सकते हैं टेन इंटू वन दैट इज़ टेन ट्राइंगल का एरिया भी आप निकाल सकते हैं वन ओवर टू बेस इज टेन एंड हाइट इज़ फाइव दैट इज फाइव तो आपके पास जो प्रोड्यूसर को लॉस हुआ है दैट इज़ फिफ्टीन कंज्यूमर को गेन हुआ है एंड देन प्रोड्यूसर को लॉस हुआ है फिफ्टीन का एंड देन स्टेट को भी लॉस हुआ है इस केस के अंदर क्योंकि स्टेट क्या कह रही थी कि जब वो वन हंड्रेड परसेंट एडवलरम लगा था तो स्टेट वॉज कलेक्टिंग थर्टी डॉलर एज अ टेरिफ्ट रेट जो हम लोग पहले भी हम बात कर चुके हैं सो so, क्योंकि आपके पास इम्पोर्ट हो रही थी थर्टी और पर यूनिट उसको वन डॉलर रेवेन्यू जनरेशन हो रही थी तो इन दैट केस आपके पास स्टेट को भी लॉस हुआ है ऑफ थर्टी डॉलर तो नेट बेनिफिशरी रहा है इस केस के अंदर वो है कंज्यूमर अब मज़ीद ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये जो कस्टम यूनियन फॉर्म होने के बाद क्या ओवरऑल फायदे किस फॉर्म में ले सकी है नेशन टू लाइक ट्राइंगल जो है सी जे एम इट इज़ आल्सो नोन एज अ प्रोडक्शन कंपोनेंट ऑफ द वेलफेयर गेन फ्रॉम ट्रेड क्रिएशन दैट इज प्रोडक्शन ऑफ टेन एक्स फ्रॉम द लेस एफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इन नेशन टू एट द कॉस्ट ऑफ वी यू जे सी टू द मोर एफिशियंट प्रोड्यूसर इन नेशन वन तो अब अल्टीमेटली ये जो सी जे एम है ये प्रोडक्शन कॉम्पोनेंट की वजह से आया है। ये वेलफेयर गेन में इजाफा हुआ है या ओवरऑल कस्टम यूनियन को फ़ायदा हुआ है सो so, आपके पास जो लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर से आप नेशन टू से अपने रिसोर्सेज शिफ्ट किए नेशन वन की तरफ क्योंकि आप कस्टम यूनियन एज ए यूनिट की फॉर्म में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गेन हुआ है दैट इज़ फाइव वो आपने अपने रिसोर्सेज जो इनएफिशेंटली यूज़ हो रहे थे आपके पास नेशन uh, टू के अंदर आपने शिफ्ट किए नेशन वन के अंदर दूसरी साइड पे अगर हम बात करें ट्राइंगल बी एच एन की दैट इज़ कंजम्पशन कंपोनेंट ऑफ वेलफेयर गेन वंस अगेन यहाँ पे वेलफेयर गेन हुआ है फ्रॉम द कंज़म्पशन साइड अगर आप टेरफ के साथ चलते तो आपकी प्रोडक्शन कंज़म्पशन हो रही थी फिफ्टी पे बट इफ़ यू क्रिएट अ कस्टम यूनियन तो आपके पास जो कंजम्पशन है दैट इज़ इंक्रीज फ्रॉम फिफ्टी टू सेवेंटी तो ये पार्ट आपका कंजम्पशन की वजह से है प्रीवियस वन वाज ड्यू टू द प्रोडक्शन कंपोनेंट कि आप अपनी प्रोडक्शन जो है लेस एफिशिएंट रिसोर्सेज जहाँ पे जिस कंट्री के अंदर यूज़ हो रहे थे वहाँ से मोर एफिशिएंट की तरफ चले गए प्रोड्यूसर्स की तरफ दैट इज़ नेशन वन यहाँ पे आपके पास उसी प्रोडक्शन शिफ्ट की वजह से आपको कन्जम्पन गेन हो रहा है और आपके पास जो ट्रेड क्रिएशन हो रही है उसकी वजह से आपके पास कन्जम्पन में इंक्रीज आ रहा है दैट इज ट्वेंटी एक्स फ्राम फिफ्टी टू सेवेंटी और बेनिफिट मिल रहा है जी डब्ल्यू बी एच के विद एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली जी डब्ल्यू बी एन के ये इस पॉइंट के ऊपर हम लोग जो है इसको ख़त्म करते हैं